गाइज आग कहने में एक छोटा सा वर्ड है, परंतु गाइज इसी आग के कारण मानव का विकास संभव हो पाया है। परंतु गाइज यही आग अगर कंट्रोल ना हो तो बहुत ही बड़ा नुकसान, बहुत ही बड़ा तबाही कर सकती है। तो गाइज आज मैं आप लोग को फायर को कंट्रोल करने के बारे में कुछ बेसिक टिप्स बताऊंगा, यानी कि गाइज फायर फाइटिंग के बारे में मैं आप लोग को थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बताऊंगा। आग को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि आग होती क्या है। तो गाइज मैं आप लोग बता दूं, जो आग है यह एक केमिकल रिएक्शन है। यह उत्पन्न कैसे होती है, तीन चीजें मिलती हैं जब जाकर के आग उत्पन्न होती है। गाइज जो पहला चीज है वो है ऑक्सीजन, यानी कि हवा, जो पर्यावरण में ऑक्सीजन है इसकी बात कर रहा हूँ। और दूसरा जो चीज है वो है ईंधन, यानी कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, गैस, मेटल, कुछ भी, ये जो चीज है जलने वाली इसको हम लोग बोलते हैं ईंधन। और जो तीसरी चीज है वो है हीट। गाइज अगर थोड़ी सी भी हीट मिल जाती है इन सभी चीजों में तो आग जल जाती है। अगर गाइज हमें आग को कंट्रोल करना है तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा, इन तीनों चीजों में से एक चीज को हटाना पड़ेगा, जब ही जाकर के आग कंट्रोल हो सकती है। तो गाइज सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं जो फायर है वो कितने प्रकार की होती है, यानी टाइप्स ऑफ फायर। तो गाइज सबसे पहला जो फायर है वो सॉलिड फायर है, इसको ए क्लास में माना गया है, जैसे कि लकड़ी, गत्ता, पेपर, घास, कपड़ा इत्यादि है। इसके बाद में आती है बी क्लास की फायर, इसके अंदर लिक्विड गैस जो चीज़ें होती है उसको लिया जाता है, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी गैस। और गाइज इसके बाद में है क्लास सी फायर, इसके अंदर जैसे बिजली के तार हो गए, इसके कारण जो फायर लगती है इसको हम सी क्लास में लेते हैं। इसके बाद में आता है डी क्लास फायर, इसके अंदर मेटल के अंदर आग लगती है, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, टाइटेनियम हो गया। गाइज इसके बाद में एक आग और होती है, उसको बोलते हैं किचन फायर, इसके अंदर क्या होता है कुकिंग ऑयल के अंदर आग लग जाना, ये क्लास के अंदर आता है। तो गाइज अब हम लोग जान लेते हैं कि इन आग को हम लोग कैसे बुझा सकते हैं। तो गाइज जो ए क्लास की आग है तो इसके अंदर लकड़ी, गत्ता, पेपर, घास हो गया, तो इसको बुझाने के लिए हम लोग सिंपली पानी का यूज कर सकते हैं या हम लोग मिट्टी का यूज करके इसको बुझा सकते हैं। फायर बाकेट नाम सुना होगा, इसके अंदर मिट्टी होती है, इसका यूज करके हम लोग आग को बुझा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग फायर एग्जिस्टर यानी कि ABC जो पाउडर होता है, ड्राई पाउडर, इसका यूज करके भी हम लोग आग को बुझा सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, जो ड्राई पाउडर होता है डायरेक्ट हम लोग आग के ऊपर डाल करके ऑक्सीजन को कट करके आग को बुझा सकते हैं। इसके बाद में आता है बी क्लास का जो फायर है, लिक्विड या गैस, इसको भी हम लोग ABC जो फायर रजिस्टर है इसके द्वारा हम लोग बुझा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक आप लोग देखेंगे कि ये मेरे पास जो दिख रहा है ये एक प्रकार से बोल है जो कि फायर के अंदर डायरेक्ट डालते हैं, जिससे ये ब्लास्ट होता है और ये आग जो बुझ जाती है। इसके बाद में आ गया सी क्लास का फायर, जो लाइव इलेक्ट्रिक फायर होता है, इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस CO2 का यूज करके बुझा सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं बहुत महंगे होते हैं, अगर हम लोग पाउडर का यूज करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए हम जो CO2 गैस होती है ये बहुत ठंडी होती है और इससे हमारे जो बोर्ड वगैरह हो, पैनल बोर्ड वगैरह होते हैं, ख़राब नहीं होते हैं, इसका हम लोग यूज करके आग को कंट्रोल कर सकते हैं। गाइज एक बात का और ध्यान रखना, अगर बिजली से आग लगी हुई है तो आप लोग पानी का यूज मत करना, क्योंकि पानी का अगर यूज करेंगे तो आप लोग को बिजली लग सकती है, यानी कि आप लोग को पता है जो पानी होता है बिजली का सुचालक होता है, तो आप लोग को करंट लग सकता है। गाइज इसके बाद में जो डी क्लास का जो फायर होता है, यानी कि मेटल वगैरह जो होता है जिसके अंदर आग लग जाती है, इसके अंदर भी हम लोग CO2 का यूज करके आग को बुझा सकते हैं और ABC का भी यूज करके हम लोग बुझा सकते हैं। परंतु गाइज यहाँ हम लोग ज़्यादातर CO2 का ही यूज करेंगे, क्योंकि ये मेटल को ठंडा भी कर देता है। गाइज अगर किचन के अंदर आग लग जाती है तेल के अंदर, तो आप लोग डी प्रकार का फायर एग्जिस्टर यूज कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक फोम होता है जो कि तेल के ऊपर कवर कर देगा, जिससे कि ऑक्सीजन कट हो जाता है और आग बुझ जाती है। गाइज मैंने जो आप लोग को आग बुझाने की बेसिक जानकारी दी है, इसका यूज करके आप लोग बड़ा दुर्घटना होने से बचा सकते हैं। गाइज आप लोग को पता ही होगा, जब बड़े लेवल पर आग लग जाती है तो उसको फायर फाइटर भी नहीं बुझा सकते। गाइज ऐसा क्यों होता है, गाइज मैं आप लोग को बता दूँ, जब बड़े लेवल पर आग लग जाती है तो गाइज उसको इसलिए नहीं बुझाया जा सकता क्योंकि वो बहुत ही बड़े लेवल पर हो जाती है। तो गाइज आप लोग सोच रहे होंगे जो बड़ी लेवल की आग है वो बुझेगी कैसे, तो गाइज मैं आप लोग को बता दूँ, मान लो पेट्रोल के अंदर आग लग गया तो गाइज उसको बुझाना नामुमकिन है। तो गाइज वो बुझेगी कैसे, जब तक वो पेट्रोल ख़त्म नहीं हो जाएगा जल करके, जब तक वो आग बुझेगी नहीं। गाइज इस वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करें।